हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चिन्मई। सो आज मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग मतलब अराउंड 9:30 हो रहा था, तब मैं शूट कर रही थी। मेरी बड़ी बेटी का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो छोटी बेटी भी मैं दूसरी रूम में शिफ्ट कर दी और उसकी झूला के ऊपर मैं उसको सुला दी। और हमारा ये बेडरूम मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाना, और बहुत सारे काम रहता है दिन भर छोटी छोटी करके मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस दिन बहुत ही धूप हो रहा था और वेदर भी आजकल बहुत अच्छा होने लगता है, मतलब ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडा नहीं है तो अच्छा भी लग रहा है। और अभी तो विंटर आने वाला है तो बहुत अच्छा भी लगता है। और सुबह सुबह मैं नहा के मेरा पूजा भी हो चुका है। बीच बीच में मैं मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लासेस भी देख रही हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने। कुछ कुछ डस्टिंग वगैरह है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में ब्रेकफास्ट बनाने के बाद बहुत थकावट होती है। फिर मेरे जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको भी उसका भी काम रहता है बहुत सारे। ये देखिए मैं आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, मतलब डोसा टाइप, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, छोटा छोटा बना रही हूँ। ये मेरी बेटी के लिए सिंपल, मतलब वाइट वाला डोसा, मतलब कुछ भी नहीं डालती हूँ, जस्ट नमक डाल के मैं ऐसे डोसा टाइप बना के देती हूँ। और उस दिन बना था ये डोसा के साथ चावल का खीर, तो बहुत खुशी खुशी उस दिन खा रही थी। और मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए मैं ये मसाले वाला थोड़ा सा, मतलब सारी वेजिटेबल्स डाल के मैं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती ये सब वेजिटेबल्स, तो उसके लिए सिंपल सा बनाती हूँ। और हम लोग के लिए देखिए सारे वेजिटेबल मिला के मैं ऐसे बनाती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और ब्रेकफास्ट होने के बाद मेरा शुरू हो चुका है मेरी छोटी बेटी का काम शुरू, उसको ऑयल मसाज कर रही थी। और दिन में दो बार करना चाहिए, अभी तो मैं फ़िलहाल मतलब ज़्यादा गर्मी लग रहा है ऐसे करके मैं ओनली सुबह ही उसको ऑयल मालिश करती हूँ, नहीं तो छोटी मतलब न्यू बॉर्न्स को मतलब दो टाइम मालिश करना सही रहता है। और जितना मसाज करेंगे उतना ही वो लोग कंफर्टेबल फील करेंगे, उनको मतलब वो अच्छी तरह से ज़्यादा उनका नींद भी अच्छे से होगा और वो भी बहुत कंफर्टेबली खेलेंगे। नहीं तो बच्चे लोग बहुत क्रंकी हो जाते हैं, उनको अगर मसाज करेंगे तो उनको भी थोड़ा आराम मिलेगा। ये देखिए उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था मसाज करने के टाइम, और सी इज़ एन्जॉइंग। और ना मसाज करने के बाद ये मेरी मम्मी है उसको नहला रही थी, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट की थी उस दिन, और वो बहुत ही एंजॉय कर रही है। जिस तरह मम्मी वो उसको नहलाते हैं वो बहुत ही एंजॉय करते हैं, वो हंस रही थी तब। वो नहाने के बाद थोड़ी देर के लिए नैप लेती है और उसके लिए मैं बेड अच्छे कर लेती हूँ, क्योंकि वो नहा लेके तुरंत बाद ही खाने के बाद वो सो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो इसी तरह मैं उसको बेड लगा देती हूँ। फिर मैं जाऊँगी लंच या कुछ प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं फिर से आ गई किचन में। तो ये मैं फिर से डोसा बनाने के लिए भिगा रही थी उड़द दाल और चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ख्वाहिश था कि फिर से डोसा चाहिए, तो इसीलिए मैं बना रही थी फिर से डोसा। साथ ही साथ मैं लंच भी प्रिपेयर कर लूँगी। और शाम को डिनर के लिए ये वाला जो बीन है वो मैं भिगा रही थी। और आज मैं लंच में लेफ्टओवर चिकन करी था, इसीलिए थोड़ा सा था, तो मैंने सोचा कि उसके साथ एग थोड़ा सा बॉईल करके चिकन के साथ
फ्राई करेंगे और बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ आटा मेरे हस्बैंड के लिए, वो लंच में 2 रोटी एंड थोड़ा सा एक कटोरी चावल लेते हैं, तो उनके लिए मैं आटा गूंद रही थी। और यहाँ पे मेरे लिए पपाया का जो सब्जी बनता है, आप लोग को पता है ब्रेस्ट फीड के टाइम ये खाना चाहिए, और ये मैं ज़रूर लेती हूँ एवरी डे। और मेरी मम्मी ने काट के दी है तो मैं ये वाला बॉईल करती हूँ, सिंपल सा बॉईल करके गार्लिक, लॉट्स ऑफ गार्लिक दे के मैं छुंक लगाती हूँ, बहुत टेस्टी भी लगता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो एक चिकन लेफ्ट ओवर था उसको मैं कैप्सिकम एंड ऑनियन टमाटर के साथ मैं फ्राई करके, एक मिक्स करके फ्राई जैसे बनाऊंगी तो बहुत टेस्टी बनता है। सो इसी चक्कर में मैं वेजिटेबल्स ये कट कर रही हूँ, और कैप्सिकम भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो मैं हर चीज़ में ऐड करती हूँ कैप्सिकम। और राइस दाल मेरी मम्मी ने बना चुकी थी, और सिंपल सा और कुछ नहीं बनाती हूँ क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है। और अभी तो हम लोग ज़्यादा स्पाइसी वगैरह भी नहीं खाते, जस्ट थोड़ा सा स्पाइसी तो बनता है, नहीं तो मुँह भी मतलब कुछ दिन के बाद ख़राब लगने लगता है। मतलब एकदम से सादा नहीं खा सकते, थोड़ी सी मसाला डल के मैं कुछ बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं एग को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। अब हर दिन एक एक करके एग ले सकते हो ब्रेस्ट फीड के टाइम, ये बहुत कैल्शियम मतलब बहुत अच्छा होता है। सो हम तीनों के लिए मैं एग 3 टू फ्राई कर रही थी। उसके साथ देखिए मैं कैप्सिकम ऑनियंस एंड टमाटर डाल के जो लेफ्ट ओवर चिकन है उसके साथ मिला के फ्राई करूँगी, फिर एग मिलाऊँगी। इसी तरह मैं आज छोटा सा ब्लॉग फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात, अगर आपको कुछ भी ख़राब लगे मेरे ब्लॉग में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी, कोशिश करूँगी उसको सुधारने के लिए। ये देखिए मैं सारे वेजिटेबल फ्राई होने के बाद, मतलब जो कैप्सिकम ऑनियन टमाटर फ्राई होने के बाद मैं चिकन डाल के फिर से फ्राई करूँगी थोड़ी देर। और आप इस तरह का बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये ना मैं मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डाल के ऊपर से बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगता है। और ये देखिए जो एग मैं फ्राई करके रखी थी वो वाला मैं ऐड करूँगी अभी। तो जस्ट आप मिक्स कर लीजिए, बस ये बन के रेडी हो जाएगा फ्राई जैसे, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए रोटी। तो लंच या डिनर हो, हमारे घर में 2 टाइम रोटी बनता ही बनता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है रोटी। ये रोटी को मैं थोड़ी सी ऑयल दे के मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा ऑयल वगैरह मैं ऐड नहीं करती हूँ, जस्ट लिटिल बिट ऑफ ऑयल दे के मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये चपाती जैसे बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। मतलब सूखा रोटी खाने से बहुत मतलब बोर भी लगता है हर दिन अगर इस टाइप का खाने तो। सो गाइस आज के लिए मैं ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो टिल देन बाय।